नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सहारनपुर के देवबंद पहुंची कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा का विभिन्न स्थानों पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान यात्रा की अगुवाई कर रहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा झूठ की राजनीति कर रही है और जनता को गुमराह कर रही है। आम चुनाव में जनता भाजपा को जवाब देने का काम करेगी। देवबंद पहुंचने पर यूपी जोड़ो यात्रा का भाईला रोड पर असगरिया मदरसे के निकट कांग्रेसियों ने जोरदार स्वागत किया। इसके उपरांत यात्रा नगर के विभिन्न स्थानों पर होती हुई दारुल उलूम क्षेत्र में पहुंची, जहां पर मस्जिद रशीद के निकट वरिष्ठ कांग्रेसी नेता साद सिद्दीकी के आवास पर स्वागत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश की जनता को बेवकूफ बनाकर सत्ता हासिल कर रही है। हाल ही में राजस्थान में हुए चुनाव में जनता को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया था, लेकिन चुनाव जीतने के बाद भाजपा अपने वादे से मुकर गई। अजय राय ने दो टूक कहा कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और जनता के साथ धोखा करने वाली भाजपा सरकार को सत्ता से बाहर करने का काम करेगा। परेशान है व्यापारी, किसान, मजदूर, महिलाएं, सबके साथ अत्याचार ये लोग कर रहे हैं। नौजवान के साथ अत्याचार कर रहे हैं। महिलाओं का जो उत्पीड़न करने वाला व्यक्ति उसको विधानसभा का टिकट देके विधायक बनाते हैं। जो सजा होती है तो कहते नहीं, इससे मेरा कोई लेना नहीं है। कानून ने अपना काम किया। जब मालूम है कि पासको एक लगा है, वो बलात्कारी है, तो उसको टिकट क्यों दिया? बेटी बताओ बेटी पढ़ाओ की झूठी बातें कर आप महिलाओं का अपमान करते हो और जो बलात्कारी है उसका सम्मान देते हो। ये सारी चीज जुड़ रही है और आम जनता का समर्थन, आप लोगों का सहयोग हमको मिल रहा है। बैठक उसके बाद जो खबर आ रही है कि पंजाब में भी आप पार्टी में कहते हैं कि कांग्रेस को सीटें नहीं चाहिए, तो उसको लेकर जिस प्रकार से कई कहीं टीएमसी अखिलेश यादव, तो इसको लेकर ये इंडिया गठबंधन की बैठक करने वाला है। अब देखिए, ऐसा है कि ये सब तय करना राष्ट्रीय इशू का काम है। मैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए अध्यक्ष बना हूँ, वहां पर अपना मैं काम कर रहा हूँ, मजबूत कर रहा हूँ। ममता बनर्जी ने कांग्रेस तिरंगे गांधी का नाम लॉकमेंट किया है वाराणसी सीट से, उसको लेकर क्या करेंगे बैठक में? अब ये प्रियंका गांधी जी का उत्तर प्रदेश घर है, वो बनारस लड़े, वो रायबरेली लड़े, अमेठी लड़े, प्रयागराज लड़े, जहाँ लड़ेंगी कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी जान लगा देगा। क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अकेला चुनाव आईडी पर निकलती है जिस प्रकार से एकदम तेजी के साथ तैयारी शुरू की? कांग्रेस सबके साथ सबको लेकर चलती है, किसान की बात, मजदूर की बात। आज गन्ना, मैं गन्ना खा रहा हूँ, ये गन्ने का जो देख रहे हैं आप, ये पूरी तरीके से आज गन्ने का दाम नहीं बढ़ा जब से सरकार आई है। 20 रुपये क्विंटल बढ़ता था, नहीं बढ़ा। आज तो किसान परेशान है, आज गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा, नौजवान को नौकरी नहीं मिल रही, नौजवान पार्लियामेंट में घुस के आज अपनी चीजों की मांग कर रहा है, ये सब क्या है? तो निश्चित तौर से कांग्रेस अपना काम कर रही है। आप दोनों बात कर रहे हो, कभी कभी अकेला चल रहे हैं, कभी हम मजबूती से अपना काम कर रहे हैं, ताकत के साथ काम कर रहे हैं। अब ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि कौन हमारे साथ रहेगा, कौन नहीं। वक्त हो चला है आप सविता लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर।